हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस मेंटर, और आप देख रहे हैं द बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल। और बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। आज बात करूंगा दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल ई स्कूल के बारे में। देखिए, अगर मैं बिजनेस साइकिल की बात करूं तो बिजनेस साइकिल में 4 पॉइंट होते हैं, लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में। या तो आपका बिजनेस बूम टाइम पे चलता है या आपके बिजनेस में थोड़ा स्लम टाइम होता है। बूम टाइम किसी बिजनेस का वो टाइम होता है जहां उस बिजनेस में सेल ज्यादा है, जहां उसका रेवेन्यू ज्यादा है, जहां उसका प्रॉफिट ज्यादा है, उसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है और उस मार्केट शेयर के अंदर सामान खरीदने वाले कस्टमर भी बहुत ज्यादा है। कुल मिला के बात इतनी है कि वो बिजनेस उस वक्त बहुत अच्छे टाइम पीरियड में होता है। लेकिन किसी बिजनेस का स्लम टाइम पीरियड वो टाइम होता है जहां उस बिजनेस में सेल्स उतनी नहीं है, ना उसका रेवेन्यू अच्छा है ना उसका प्रॉफिट अच्छा है, मार्केट शेयर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है और जो कस्टमर उस बिजनेस के अंदर है वो भी अब उसका सामान खरीदना बंद कर दिया। ठीक ऐसे ही बूम और स्लम टाइम से गुजर रहा है इंडिया का स्कूल बेस्ड बिजनेस मॉडल, जहां ई स्कूल मतलब इलेक्ट्रिक स्कूल, साइबर स्कूल, ऑनलाइन स्कूल या वर्चुअल स्कूल, जो भी आप उसे नाम देना चाहें, वो तो अपने हाई टाइम पे, अपने बूम टाइम से गुजर रहा है। मतलब उसकी अब डिमांड भी ज्यादा है, अब उसकी सेल्स भी ज्यादा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट खुद को एड ऑन करना चाहते हैं। लेकिन वहीं ऑफलाइन बेस्ड स्कूल बिजनेस मॉडल जो है वो अपने स्लम टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि ना अब उसमें कस्टमर यानी कि उनके जो क्लाइंट है, जो स्टूडेंट्स है, वो भी अब कोरोना वायरस की वजह से स्कूल में एडमिशन लेने में थोड़े इंटरेस्टेड कम है। वो भी चाहते हैं कि घर बैठे अब उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हो जाए, और इसी वजह से इंडिया के अंदर अब ऑनलाइन स्टडी का काफी सारा ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़े भी क्यों ना। देखिए, जब स्कूल की बात होती है तो स्कूल का सीधा रिलेशन होता है उसके एजुकेशन सिस्टम से, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से उस स्कूल की रेपुटेशन को और गुडविल को जज किया जाता है। लेकिन जैसे ही इंडिया में स्कूल की बात होती है, एजुकेशन सिस्टम को 2 तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, लेफ्ट ब्रेन के लिए अलग और राइट ब्रेन के लिए अलग। लेफ्ट ब्रेन पर्सन वो होते हैं जिन्हें स्टडी करना अच्छा लगता है, जिन्हें नोट्स पढ़ना, पीडीएफ पढ़ना, जिन्हें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई करना, किसी स्ट्रक्चर में काम करना पसंद है। लेकिन राइट ब्रेन वो पर्सन होते हैं जिन्हें स्टडी करना अच्छा नहीं लगता, जिन्हें नोट्स, पीडीएफ, किसी स्ट्रक्चर में काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने दोनों ही इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए जो एजुकेशन सिस्टम बनाया वो था मिक्स एजुकेशन। अब ये तो इसकी एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये एजुकेशन सिस्टम को हर साल अपडेट नहीं किया जाता, मतलब ये लेस अपडेटेड या यूं कहूं तो ये अनअपडेटेड सिलेबस बच्चे को हर साल, हर बार बिजनेस एक नए मोड से गुजरता है। हर साल बिजनेस में नए डायमेंशंस, नई अंडरस्टैंडिंग आती है। सिलेबस में भी काफी सारे चेंजेस हर साल होते हैं, लेकिन बुक्स को इस पुराने एजुकेशन सिस्टम के साथ हर साल अपडेट नहीं किया जाता। इसीलिए बच्चा लेस अपडेशन के साथ एजुकेशन सीखता है, प्लस उसे पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन उसे गेम खेलना पड़ेगा, या फिर उसे गेम खेलना है तो उसे पढ़ना भी पड़ेगा। इस मिक्स एजुकेशन की वजह से बच्चा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं ले पाता। बहरहाल, इन सारे लिमिटेशन को दूर रख के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन अपने स्कूल खोलते भी हैं। प्री स्कूल और प्ले स्कूल की बात करूं तो इंडिया के अंदर इनका स्कोप 31% हर साल बढ़ जाता है, इसीलिए इसमें काफी सारा स्कोप और पोटेंशियल है। इस अनटैप्ड मार्केट में अपने पोटेंशियल को ढूंढने के लिए काफी सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर अपना खुद का स्कूल खोलते हैं, लेकिन जब वो स्कूल खोलते हैं तो उनको इनिशियली काफी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, अपने स्कूल की बिल्डिंग बनानी पड़ती है। अब स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है, उस लोन के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उस स्कूल की बिल्डिंग के अंदर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसके क्लासरूम के अंदर उन्हें फर्नीचर लगाने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, बेसिक फैसिलिटी देनी पड़ती है। अगर बिल्डिंग खुद की बनाई तो लोन पे इंटरेस्ट खुद देना पड़ेगा, और अगर बिल्डिंग खुद की नहीं है, बिल्डिंग को रेंट पे लिया तो एक फिक्स्ड बर्डन उनके प्रॉफिट पे रेंट को पे करने से आएगा। बिल्डिंग ली है तो बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका, वाटर बिल उनका, बच्चों को बुलाया तो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी, ट्रैवलिंग का खर्चा उनका, स्टेशनरी उनका, बच्चों का फूड और स्नैक्स का खर्चा उनका, बच्चों के लिए जो स्टाफ मेंबर, जो टीचर लगाए, टीचर की सैलरी, स्कूल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उनका, और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उस स्कूल की मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी स्कूल का। अब इतने सारे कैश आउटफ्लो के साथ बिजनेस की जो कैश इनफ्लो है उसके कंपैरिजन का रेशियो बहुत कम हो जाता है। देखते ही देखते बिजनेस के अंदर यानी कि इस ऑफलाइन स्कूल बेस्ड बिजनेस मॉडल के अंदर प्रॉफिट कम होने लग जाता है। धीरे धीरे 2-3-4 साल के अंदर जब लेस प्रॉफिट के साथ किसी स्कूल को रन किया जाता है तो स्कूल को रन करने वाला जो ऑनर है उसे ऐसा लगता है कि बिजनेस के अंदर अब कॉस्ट को बचाने के लिए थोड़ा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है। वो थोड़ी लेस क्वालिटी की बुक्स अरेंज करना शुरू करता है, लेस क्वालिटी के स्टेशनरी मटेरियल, लेस क्वालिटी का फूड, लेस क्वालिटी के ट्रांसपोर्ट, लेस क्वालिटी के टीचर स्टाफ को वो हायर कर लेते हैं ताकि उसकी कॉस्ट थोड़ी बच जाए। जैसे ही वो इस क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, बच्चे का ओवरऑल लर्निंग, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन थोड़ा वीक हो जाता है। यहीं से पेरेंट्स और बच्चे को लगता है कि इस स्कूल में अब थोड़ा दम नहीं है, इस स्कूल के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, और वो अपने बच्चे को वहां से एडमिशन से हटा के किसी दूसरे बड़े अच्छे स्कूल, किसी नामी रेपुटेड स्कूल के अंदर उनका एडमिशन करा लेता है। सो इस स्कूल को इस बच्चे का एडमिशन कैंसिल होने का लॉस भी उठाना पड़ता है, और इसी वजह से ऑफलाइन बेस्ड स्कूल बिजनेस चल नहीं पाते। लेकिन
लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा वो होता है जो प्रॉब्लम के बियॉन्ड जाके सॉल्यूशन की बात करता है, प्रॉब्लम में भी वो अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इस स्कूल बेस्ड, इस ऑफलाइन स्कूल बेस्ड बिजनेस मॉडल का सबसे अच्छा ऑल्टरेशन, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ई स्कूल, यानी कि वर्चुअल स्कूल, ऑनलाइन स्कूल या साइबर स्कूल, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। देखिए, इस तरह के स्कूल की शुरुआत 1990s में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुई, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन कम थी। उन कम पॉपुलेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन में स्कूल को डेवलप करना और स्कूल के अंदर बच्चों को बुला के टीचर हायर करके उन्हें पढ़ाना बहुत कॉस्टली था। लेकिन जैसे ही 1990s का टाइम पीरियड आया तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और काफी जगह इंटरनेट बूम आ गया। इंटरनेट बूम आया तो इस तरह के ई स्कूल्स का थोड़ा सा क्रेज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर थोड़ा बढ़ने लग गया, और देखते ही देखते काफी सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ने डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स निकाल दिए। सिर्फ अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर लगभग 5000 कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो डिस्टेंस लर्निंग पे अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते हैं और उन्हें घर बैठे डिग्री, डिप्लोमा देते हैं। अब अगर इस तरह से घर बैठे अपने स्टेट, शहर में बैठे हुए आराम से आपको पढ़ाई करने का मौका मिल जाए, अपने घर के कंफर्टेबल एनवायरमेंट में पढ़ाई करने का मौका मिल जाए और आपको उसकी डिग्री और उसका डिप्लोमा प्रोग्राम भी मिल जाए, तो कोई भी इंडिविजुअल इसमें इंटरेस्ट लेगा। यही रीजन है कि इंडिया के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर 4% से फिजिकल एडमिशन कम हो गए, बच्चे अब डिस्टेंस लर्निंग लेना चाहते हैं। लेकिन वहीं इस नए ट्रेंड के साथ, मतलब इस COVID-19 2020 के टाइम पीरियड में, जहां डिस्टेंस लर्निंग के साथ सोशल डिस्टेंस भी अब इन्वॉल्व हो गया है, अब पेरेंट्स और बच्चा खुद फिजिकल स्कूल में जाके एडमिशन लेके एजुकेशन लेना नहीं चाहता, वो भी ये चाहता है कि स्कूल कहीं ना कहीं उसे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा दे, ताकि बच्चा अपने घर में एक सेफ एनवायरमेंट के साथ, अपनी सेफ लाइफ के साथ कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच के घर पे एजुकेशन ले पाए, लर्निंग में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जो स्कूल के बेसिक काम को ऑलरेडी इनबिल्ट तरीके से कर पाएगा। मतलब स्कूल को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्कूल का टाइम टेबल, उसके बाद टीचर का टाइम टेबल आता है, फिर टीचर का किस तरह से साइन इन साइन आउट होगा, बच्चे की अटेंडेंस किस तरह से ली जाएगी, बच्चे को किस तरह की एक्टिविटी कराई जाएगी, किस तरह के एग्जाम लिए जाएंगे, किस तरह से उनके आंसर चेक की जाएंगे, किस तरह से रिपोर्ट बनाई जाएगी, टीचर्स का पे रोल किस तरह से होगा, टीचर की डेली वेजेस किस तरह से ली जाएगी, टीचर का डिडक्शन किस तरह से होगा, टीचर की सैलरी का प्रमोशन किस तरह से होगा, किस तरह से स्टाफ मेंबर का बेसिक रिकॉर्ड रखा जाएगा, किस तरह से बच्चे की बेसिक रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा, ये हर चीज उस सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट है। आपको सिर्फ वो एक बार वो सॉफ्टवेयर खरीदना है, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो भी किसी स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी से बहुत सस्ता है। अगर आपने एक बार ये सॉफ्टवेयर ले लिया तो आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ सिर्फ अपने टीचर को एक बेसिक ट्रेनिंग देनी है, अपने स्टूडेंट को उसमें ऐड करना और आपको अपना ई स्कूल बनाने बड़ा आसान हो जाएगा। और इसी के साथ आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बच्चों के लिए जो आपको बिल्डिंग का रेंट देना था वो बच गया, स्टेशनरी का खर्चा बच गया, लाइट का खर्चा, पानी का खर्चा बच गया, टीचर की जो सैलरी देनी है वो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए शायद सैलरी थोड़ी कम हो जाए। अब यहां से सवाल आया कि इस तरह के ई स्कूल में एडमिशन लेता कौन है। देखिए, इस तरह के ई स्कूल में वो इंडिविजुअल एडमिशन लेंगे जिन्हें हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि जिन्हें धूप में निकलने से, जिन्हें सनशाइन में जाने से प्रॉब्लम है, जिन्हें डस्ट से कोई एलर्जी, जिन्हें पोलन एलर्जी है, वो इंडिविजुअल जाएंगे। जिन्हें ट्रैवल करना, मतलब वो किसी एक लोकेशन पर रहते हैं और उनका अच्छा स्कूल किसी दूसरी बड़ी लोकेशन पे है जिसमें उन्हें ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, तो ट्रैवल करने से उन्हें मोशन सिकनेस होता है, उस तरह के स्टूडेंट इस तरह के स्कूल्स में एडमिशन लेना प्रेफर करेंगे। उस तरह के बच्चे जिनके पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब में है वो ई स्कूल में अपनी एजुकेशन लेना प्रेफर करेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका ई स्कूल से उनकी एजुकेशन, उनकी लर्निंग बरकरार रहेगी। या वो इंडिविजुअल जो पार्ट टाइम अपना जॉब करना चाहते हैं और पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन रन करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअल जो लेफ्ट ब्रेन पर्सन है, मतलब जिन्हें किसी स्ट्रक्चर में, जिन्हें सेल्फ लर्नर बनना पसंद है, जिन्हें इंटरैक्टिव एक्टिविटीज करना पसंद है, या वो इंडिविजुअल जो राइट ब्रेन पर्सन है, जिन्हें गेम खेलना, जिन्हें क्विज कॉन्टेस्ट करना, जिन्हें काफी सारी इंटरनेट एक्टिविटी करना अच्छा लगता है, वो इंडिविजुअल भी इस तरह के स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, ई स्कूल की बात करूं तो ई स्कूल में कॉस्ट बहुत कम है। इनिशियली पैसा लगता है आपका सॉफ्टवेयर अरेंज करने में, उसके बाद आपको उस बिजनेस को मेंटेन करना है, प्रमोट करना है और इंडिविजुअल को उसमें ऐड करना है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन स्कूल का ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में जब यंग जनरेशन आएगी, जब नया बिजनेस मॉडल आएगा, तो इस तरह के ई स्कूल का बिजनेस मॉडल काफी सारा स्केलेबल और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट है, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते, तो आपको क्या लगता है, ऑफलाइन स्कूल बिजनेस मॉडल ज्यादा अच्छे होते हैं या ऑनलाइन स्कूल बिजनेस मॉडल ज्यादा अच्छे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। अगर आपको स्कूल खोलना है, स्कूल का कोई आइडिया है, आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, अपने कोचिंग सेंटर को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, क्या नाम रखना चाहिए, किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, कि स्कूल खोलने के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, टीचर की हायरिंग के लिए क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इंटरैक्टिव सेशन लेने के लिए बच्चों के साथ किस तरह से डील करनी चाहिए, किस तरह से फ्रेमवर्क बनना चाहिए, अगर इस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, कोई सवाल
पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरा मेल आईडी, आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उसे फॉलो करके आप वहां भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेगा अपने हर एक उस फ्रेंड के साथ जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस मॉडल में आपके साथ हमेशा डिस्कशन करता है। अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव बिजनेस वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे वो जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए केस स्टडी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।